उसमें संख्या काफी कम थी और जो हम लोगों को विषय वस्तु डिस्कस करना था वो उस हिसाब से नहीं डिस्कस हो पाई। अभी कुछ दूसरा ही माहौल है और मेरे ख्याल से इस समय मैं सरकारी योजनाएं डिस्कस करूं ये उचित नहीं होगा। तो इन सारी बातों के लिए हम इस महीने के अंत में फिर एक बैठक बुलाएंगे और कुछ ऐसे कार्यक्रम है जिनमें कि हम निजी क्षेत्रों की मदद लेते हैं, उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। अभी चिकित्सकों पर के साथ जो व्यवहार हो रहा है समाज में उस पर चर्चा चल रही है। यहाँ बैठे सारे चिकित्सक हैं, कुछ सरकारी क्षेत्रों में हैं, कुछ प्राइवेट में हैं, IMA भी है, PMS भी है और नर्सिंग होम एसोसिएशन भी। हम सभी कहीं ना कहीं एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, सर्वे संतु निरामया, और कमोबेश एक सी ही समस्याएं और चुनौतियों को फेस करते हैं, भले ही आप सरकारी में हो और आप निजी क्षेत्रों में। इससे निपटने का एक ही तरीका है कि हम अपना संगठन मजबूत करें, और शायद इसीलिए कहा गया है कि संघर्ष शक्ति करी। बिना उसके हम समाज से नहीं लड़ सकते। अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, अपनी शक्ति बढ़ानी होगी और तभी ये हो सकता है। हमारे सारे चिकित्सक बुरे नहीं, अधिकांश लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्लैक बॉक्सेस हैं जो उनके उपचार कारण 99% लोग ये चुनौतियां सह रहे हैं और ये शिकायतें और ये समस्याएं सह रहे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को पॉइंट आउट करें, उनका असली चेहरा बेनकाब करें। मैं भी जब अपने ऑफिस में बैठता हूँ निजी क्षेत्रों की काफी शिकायतें आती हैं, कंप्लेन आते हैं, कुछ में देखते ही पता चल जाता है कि मैटर क्या है, किस लिए किया गया है, और कुछ में वाकई कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, डॉक्टर यहाँ चूक गया, अगर उसने ये काम नहीं किया होता तो फिर हम पर कोई आरोप नहीं लगता।